यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। है ना, अपना वेक्टर थ्री थ्योरी कंप्लीट हो गई थी, कंप्लीट है ना, लास्ट क्लास में वेक्टर और थ्योरी, वेक्टर और थ्री दोनों की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी हमने। और लास्ट क्लास में असाइनमेंट क्या दिया था बेटा, एक्सरसाइज वेक्टर की एक्सरसाइज 4 दी थी, है ना, वेक्टर की एक्सरसाइज 4 दी थी ना, रिमेनिंग क्वेश्चन, है सर। ना, और 3D में भी कुछ दिया था। तो आज अपनी डाउट क्लास रहेगी इवनिंग में, 2:19 यस है ना, तो उसमें ज्वाइन हो जाना अगर कोई डाउट हो तो। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है डिफरेंट चैप्टर है। इसमें हम इमेजिनरी नंबर के साथ भी डील करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, जैसे अगर हमें इस x² + 1 = 0 इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये रियल सॉल्यूशन नहीं होता है इसका, है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनका डी नेगेटिव, कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होता। फिर भी हम सॉल्यूशन को लिखना चाहें तो प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, अंडर रूट माइनस वन के प्लेस पर हम क्या लिख देते हैं, आयोटा। ये देखो हमने इस इक्वेशन का भी हमने सॉल्यूशन लिख दिया, लेकिन वो रियल नहीं। अंडर रूट माइनस वन क्या होता है, आयोटा। यूलर, मैथमेटिशियन यूलर ने, यूलर आइलर भी बोलते हैं, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, आयोटा अंडर रूट माइनस वन को आयोटा से डिनोट किया। समझ में आया क्या, तो आयोटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट माइनस। तो हम आयोटा को इंट्रोड्यूस करके जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन रियल नहीं होते उनके सॉल्यूशन भी आयोटा के फॉर्म में लिख सकते। ठीक है, तो अब हमारा जो आयोटा का फॉर्म लिखने से हमने बोल दिया ये रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो नंबर सिस्टम जो अपना सेट ऑफ रियल नंबर्स पे एंड होता था वो और एक्सटेंड हो गया, है ना। तो जैसे अगर सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में आए, ऑल ये रियल नंबर्स का सेट है, तो रियल नंबर्स सेट ऑफ रियल नंबर इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और सारे रियल भी हैं, क्योंकि हम हर एक रियल नंबर को, जैसे 3 लिखा ये रियल नंबर, इसमें 0 × iota लिखकर कॉम्प्लेक्स बना सकते, या भी कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया क्या, तो आयोटा यूलर, मैथमेटिशियन यूलर आइलर ने दिया था, जिसको हम अंडर रूट माइनस वन लिखते हैं, अंडर रूट माइनस वन के प्लेस पर आयोटा। इज इट क्लियर। आयोटा की वेरियस पावर्स देखें, आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा टू दी पावर 4 इक्वल टू। इसलिए जब भी आयोटा की हायर पावर को हमें सॉल्व करना होता है तो हम 4 के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक, जैसे क्यों करते हैं, क्योंकि 4 का मल्टीपल के फॉर्म में लिखोगे तो 1 हो जाएगा, है ना, आयोटा टू दी पावर 4 1 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 कितना हुआ 3 = 38, 4 × 9 = 36, 2 = 23, 4 × 5 = 20, यही आएगा। ये 1 हो गया, 1 की पावर 195, 1 सीधा आयोटा माइनस आयोटा। क्या समझ में आया क्या, यस सर। 1/iota के फॉर्म में हम आंसर नहीं लिखते हैं तो हम इसको रेशनलाइज कर लेते, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर के प्लेस पर क्या लिख देते हैं, -1। तो 1/iota माइनस वन ऊपर शिफ्ट कर दिया, माइनस आई 1/iota हम क्या लिखते हैं, ठीक है। आयोटा रियल नंबर नहीं, 1 + iota अपॉन 1 - iota,
रेशनलाइज करने का आयोटा आता है और वन माइनस आयोटा अपन वन प्लस आयोटा माइनस आयोटा, क्या ये बात सही है? चेक कर सकते हैं, यहां लिख कर देता हूं मैं, वन प्लस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा, रेशनलाइज करो क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा अपॉन नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आयोटा स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, समझ में आया क्या यहां तक? एक और प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं आयोटा की, आयोटा टू दी पावर एन, आयोटा टू दी पावर एन प्लस वन, आयोटा टू दी पावर एन प्लस टू, आयोटा टू दी पावर एन प्लस थ्री इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू इंटीजर। आयोटा के फोर इंटीग्रल पावर्स का सम, आयोटा के फोर कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीग्रल पावर्स का सम हमेशा जीरो। आयोटा टू दी पावर एन, आयोटा टू दी पावर एन प्लस वन, आयोटा टू दी पावर एन प्लस टू प्लस आयोटा टू दी पावर एन प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, एन की वैल्यू कुछ भी ले। तो देखो आयोटा टू दी पावर एन कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, क्या बचा अंदर, वन प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, देखो वन आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस आयोटा, राइट हो गया। तो आयोटा की प्रॉपर्टीज क्लियर है? अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं, जेड इक्वल है ना, मैं ऐसा लिख देता हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप सिंपल जेड भी लिख सकते, जेड इक्वल्स ए प्लस आई बी वेयर ए बी बोथ आर रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी where a and b both are real, है ना, जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल लिखे 3 प्लस 4 आयोटा, ये 3 भी रियल है 4, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोल रहे, आयोटा की तरह ओवरऑल आयोटा है इसमें इन्वॉल्व है, आयोटा इमेजिनरी होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ में आया क्या, इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हम किस तरह से लिखते हैं, z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी वेयर
ए बी बिलोंग्स टू आर एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस। समझ में आया? ठीक, ये एग्जांपल लिख दिया। कितने एग्जांपल लिख सकते हैं? माइनस थ्री माइनस सेवन बाई टू आयोटा। ठीक है, अब हम बात करें, ये जो ए है, ए को हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बोलते हैं और रियल पार्ट ऑफ जेड से डिनोट। ए इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोटेड बाय आर ई जेड। आर ई जेड का मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। लिख दूं वर्ड्स में, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, राइट? देखेंगे ध्यान से, ए इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एंड बी इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ। बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, इमेजिनरी नंबर नहीं है। बी भी रियल है। फिर इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं? आयोटा का मल्टीप्लाई होता है, तो फॉर दिस रीजन वी से इट इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज आल्सो रियल, राइट? जैसे ये एग्जांपल लिखा है, इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? थ्री, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है? फोर। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो हो, मतलब ए जीरो, देन रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब ए जीरो हो, देन जेड इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी। जेड इज कॉल्ड प्योरली, मतलब कैसे नंबर होंगे प्योरली इमेजिनरी? फाइव आयोटा माइनस थ्री बाय सेवन आयोटा, दीज आर कॉल्ड प्योरली, जिनमें रियल पार्ट जीरो। अब अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो, बी जी प्योरली रियल, फॉर एग्जाम्पल सेवन, अगर बोला कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब सेवन प्लस जीरो आयोटा, ये प्योरली रियल था सर, इमेजिनरी पार्ट बी जीरो था। समझ में आया क्या? नोट भी हो गया सभी का? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ए बी बिलोंग्स टू आर आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इन द form of ordered pair A. Now just an example है, minus 3 plus 2 है, तो इस complex number को हम ordered pair form में क्या लिखेंगे? minus 3 comma 2।
राइट अब जो जीरो आपका जो नंबर है इसको आप जीरो प्लस जीरो आयोटा ले सकते हैं तो ये जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं जो प्योरली रियल भी है प्योरली इमेजिनरी क्योंकि ये प्योरली रियल क्यों बोल रहे हैं इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो प्योरली इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि इसका रियल पार्ट तो जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जीरो इज कॉल्ड बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी जीरो इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बात समझ में आ गई क्या बच्चों ठीक है जीरो प्लस जीरो है ना तो जीरो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम प्योरली रियल भी बोल सकते हैं और प्योरली इमेज एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी written as a complex every real number can be written as a complex number by taking Every real number can be written as a complex number by taking its imaginary part as zero. है ना जैसे कोई भी रियल नंबर -7 आप उसको जीरो इंटू आयोटा लेकर क्या बना सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हो इमेजिनरी पार्ट जीरो ठीक है नेक्स्ट पॉइंट और देखें रूट ए इंटू रूट बी को आप रूट ऑफ ए बी कब लिख सकते दोनों नेगेटिव हो तब नहीं लिख सकते एटलीस्ट वन इज नॉन पॉजिटिव कम से कम एक नॉन पॉजिटिव होना चाहिए जैसे एक नॉन पॉजिटिव जैसे मान लो 2 और 3 दोनों नॉन पॉजिटिव है सॉरी दोनों पॉजिटिव है लिख सकते रूट ए इंटू बी लिख सकते ठीक है एटलीस्ट वन इज नॉन पॉजिटिव का मतलब कम से कम एक नॉन पॉजिटिव और दोनों नॉन पॉजिटिव हो दोनों एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव बोल दो आप नॉन पॉजिटिव ना बोलते हुए क्या बोल दो एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो तब भी लिख सकते आप रूट टू इंटू रूट तो रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी है ना This is true if at least one of A and B is non-negative. If and only if at least one of A and B is non-negative. And वो non-positive ठीक नहीं रहेगा कुछ केस क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव हो रूट टू इंटू रूट थ्री तब भी लिख सकते हो अब रूट ए और रूट बी एक -3 इतना आ जाएगा लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके ठीक है एटलीस्ट वन भी नहीं कर पाऊंगा एक मिनट है मैं चेंज करना रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी इफ आइदर ए और बी इज नॉन है ना अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं देख लास्ट पॉइंट बाकी सब नोट कर चुके हैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं तो बाकी रफ कर दूं क्या मैं रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी कब लिखा जा सकता है जब ए और बी में से कोई एक
नॉन नेगेटिव, कोई एक नॉन नेगेटिव, इसका मतलब रूट एक, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब भी लिख सकते मल्टीप्लाई। तो यहां मैंने चारों केस में ये पॉजिटिव, ये तो माइनस यही लगा दिया, ठीक है। अब ऐसा हो तब भी लिख सकते, ठीक है, लेकिन अब इस केस में आप नहीं लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते इस केस की बात, समझ में आया क्या, ये नहीं लिख सकते। तो अब स्टेटमेंट समझ में आया क्या, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी, ये कब हो सकता, ऊपर के तीन केस में से तो आया है, इफ आइदर ए और बी इज नॉन नेगेटिव, ए और बी में से या तो ए नॉन नेगेटिव हो या बी नॉन नेगेटिव, मतलब कम से कम कोई एक पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये नहीं, बात समझ में आई क्या। फिर क्या आएगा अगर दोनों नेगेटिव हुए, क्या आएगा इस तरह, नहीं नहीं तो रूट सिक्स आ गया, तो प्लस रूट सिक्स आ गया, वही रिजल्ट आ गया जो रूट टू इंटू रूट थ्री से आया, अगर दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं एक ही अंडर रूट, बिल्कुल सही है ना। तो यही रूट टू इंटू रूट माइनस वन लिखेंगे, इसको रूट थ्री इंटू रूट माइनस वन लिखेंगे, ये रूट सिक्स हो गया, ये आयोटा स्क्वायर हो गया, तो माइनस, बात समझ में आई क्या, इसको इसके लिए ये स्टेटमेंट लिखा, इज इट क्लियर। हाँ, ये पॉइंट सबको समझ में आया है ना। तो अगर अंडर रूट, दो अंडर रूट हो बीच में मल्टीप्लाई, दोनों नेगेटिव हो तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक ही रूट में, उसको इस तरह से, ठीक है, हो गया, सबको समझ में आ गया है, चलिए आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना। तो देखिए ध्यान से, जेड वन ए वन प्लस आयोटा बी वन और जेड टू ए टू प्लस आयोटा, तो ऑब्वियसली ए वन बी वन ए टू बी टू बिलोंग्स टू आर एंड आयोटा इक्वल टू आर। तो हम एडिशन की बात करेंगे, हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो बड़ा आसान है, क्या होगा, दोनों के रियल पार्ट ऐड हो जाएंगे और दोनों के इमेजिनरी, मल्टीप्लीकेशन जेड वन इंटू जेड, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन प्लस आयोटा बी वन
a1 a2 प्लस b1 b2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन, a1 b2 प्लस a2 b1। समझ में आया किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? चलिए फोर्थ, अगर डिवाइड करें, डिवीजन की बात, हाँ तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं है ना, क्योंकि फाइनल आंसर फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखना है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। a1 प्लस आयोटा b1 a2 माइनस a1 b2 आयोटा प्लस a2 b1 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस वन लिख दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ठीक है ना, तो रेशनलाइज करके हम उसको वापस ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में ला सकते हैं। हो गया क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिवाइड में भी रेशनलाइज करके ए प्लस वाई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा ठीक है। Equality of two complex numbers. Equality of two complex numbers. Z1 A1 plus iota B1. Z2 A2 plus iota B2. तो Z1 equal to Z2 अगर है बोलेंगे तो पॉसिबल होगा, हो सकता है दोनों के रियल पार्ट इक्वल हो, रियल पार्ट ऑफ Z1 equal to रियल पार्ट ऑफ Z2 एंड
imaginary part of Z1. Imaginary part of Z. That is A1 equal to A2 and B1 equal to B2. समझ में आ गया क्या सभी को? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब उनके रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल. ठीक है, ओके. अब हम इनइक्वालिटी की बात करें. जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी इज ग्रेटर देन ए टू प्लस आयोटा बी टू. इस तरह से कोई भी इनइक्वालिटी हो का कोई मीनिंग नहीं, हैज नो मीनिंग. क्यों? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है जिसमें आप ग्रेटर लेस डिफाइन कर सको. इनइक्वालिटी हैज नो मीनिंग, इज मीनिंगलेस, कोई मीनिंग, मीनिंगलेस. ये इनइक्वालिटी मीनिंगलेस, कोई मीनिंग इसका नहीं. क्यों नहीं है? इमेजिनरी नंबर में ग्रेटर स्मॉलर थोड़ी होता, उधर रियल नंबर. ये मीनिंगफुल हो जाएगी अगर बी वन और बी टू जीरो ले लो, तो ए वन और ए टू रियल नंबर बचे, फिर मीनिंगफुल हो जाएगी. समझ में आया कि कंपैरिजन बिटवीन टू रियल नंबर्स हो जाए. बात समझ में आई क्या? ठीक है. अब जैसे ये जो टू रियल नंबर्स में हम ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अगर टू रियल नंबर्स की स्क्वायर्स का सम जीरो हो तो ए भी जीरो होगा, बी भी जीरो होगा, लेकिन कब? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू. कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कोई जरूरी नहीं है. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जीरो हो तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. वो दोनों नॉन जीरो हो तब भी उनके स्क्वायर्स का सम जीरो आ सकता. इम्प्लाई नॉट ना, जेड वन जीरो जेड टू जीरो होगा तो उनके स्क्वायर्स का सम जीरो आ ही जाएगा, लेकिन अगर जीरो ना हो तब भी आ जाएगा. जैसे तब भी आ सकता है, किसी केस, हर केस में नहीं. करके देखें, वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा, उनके स्क्वायर्स देखो, स्क्वायर्स का सम क्या आ रहा है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू. देखो आयोटा स्क्वायर माइनस वन, ये जीरो, और टू आयोटा से टू आयोटा, दोनों नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तब भी उनके स्क्वायर्स का सम जीरो आ गया. तो ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं. समझ में आया? तो ये जो है ये केवल रियल नंबर के लिए ट्रू है. कॉम्प्लेक्स नंबर हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ट्रू नहीं. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं है ना, जैसे मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें अपन. सॉरी, कॉम्प्लेक्स एडिशन, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2. तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है.
एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो जाती है। जेड वन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, सॉरी जेड में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि वापस जेड है, तो होता है जीरो। मतलब जीरो इक्वल्स टू जीरो प्लस जीरो आयोटा इज द एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये समझ में आया क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जीरो। फिर एडिटिव इनवर्स माइनस जेड इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड। समझ में आया कि बच्चों? चलो प्रॉपर्टी समझ में आई क्या? पहली को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब मल्टीप्लीकेशन में भी सेम होती है। जैसे जेड वन इंटू जेड टू इक्वल टू जेड टू इंटू जेड वन, जेड वन जेड टू जेड थ्री थर्ड, जेड वन इंटू जेड टू को अगर मैं वन बोलू, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट वन आ जाए तो, है ना, क्योंकि उसके पहले मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लिखे अगर तो वो वन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वन, जेड इंटू वन इक्वल्स टू जेड। One is called additive, one मतलब one plus zero iota is called multiplicative identity with in the set of complex. और fourth में अगर मैं z को one by z, है ना, z में one by z का multiply करें या one by z में z, तो one आएगा, तो one by z is called multiplicative inverse, है ना, one by z is called multiplicative inverse of z. ठीक है क्या? one by z is called multiplicative inverse of z. तो अगर हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना होगा तो निकालने के बाद फिर उसको रेशनलाइज करके फाइनल आंसर ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही लिखें। हो गया क्या आंसर?
तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, ये इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पर, और इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, ठीक है। If x plus iota y whole cube equal to a plus iota b, and x upon e plus y upon b equal to lambda times a square minus b square, find the value of lambda. हाँ, मतलब समझ में आया, ये टू कॉम्प्लेक्स नंबर से जिनको इक्वेट किया है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होती है, जब उनके रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी, दोनों को इक्वेट कर दो और इस फॉर्म में लाकर लैम्डा की वैल्यू कर सकते हैं सभी, ठीक है। देखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ये एक्स क्यूब यहां पर वाई स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर माइनस वन, थ्री एक्स वाई स्क्वेयर, ये रियल पार्ट हो गया, इधर आयोटा कॉमन ले लें, वाई क्यूब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट 3x square y equals to, ठीक है बच्चों। अब x upon e, x upon e कितना आएगा, एक मिनट, डाटा कुछ गड़बड़ लिख दिया है ना, मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, ये वाला फॉर्म आएगा ही नहीं, एक मिनट, डाटा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, 1/3 फिर से करते हैं। मैंने डाटा में मिस्टेक लिख दी थी, क्यूब लिख दिया था जबकि वो 1/3 है ना, अदरवाइज कर सही रहे थे, पर ये वाला फॉर्म नहीं आ, प्रोसेस वही, ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पावर 1/3 है, क्यूब रूट, क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड क्यूबिंग, ठीक है। तो इक्वेटिंग एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी इक्वेलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बाद है ना, तो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें, पहले हमने क्यूबिंग कर ली, इधर क्यूबिंग करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, राइट, x plus i minus b cube iota plus 3a square b iota plus 3a b square iota square के प्लेस पर माइनस, ठीक है। a cube minus 3ab plus iota 3a square b minus b, right? कंपेयर करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, एक्स इक्वल ए क्यूब माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, राइट, एक्स अपॉन ए
y upon x upon e y upon b. क्या हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर 4 कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू समझ में आया कैसे बी को ठीक है ना वो डाटा गलत 1/3 की जगह 3 लिख दिया था इसलिए ये वाला फॉर्म नहीं आ सकता था राइट तो मीनिंग समझ में आ गया कि हम किस पर बेस्ड क्वेश्चन किया है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन करें ओके x equal to 4 plus root 7 iota then find the value of x cube minus 4x square minus 9x plus 97 हो गया कर रहे हैं कि मैं करके बताऊं इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं
हो गया बच्चों, इसलिए ही लेंथर आ रहा है इसका। नहीं सौम्य, हाँ तो देखो आप लोग ऐसे कर रहे हैं क्या, 4+√7 आयोटा यहाँ रखकर फिर क्यूब करके, है ना, इस कर सकते हैं आंसर उससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखें मैं इसको इस तरह से कर, एक्स माइनस फोर स्क्वेयरिंग कर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए माइनस सेवन, एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स प्लस 23 इक्वल टू। अब मैं इससे इस एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इसको यूटिलाइज करो, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स माइनस नाइन, वैसे स्क्वेयर यहाँ तो माइनस एट एक्स है, माइनस एट एक्स लिख दो तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस एट एक्स प्लस 23 चाहिए, 23 तो माइनस 23 लिखूंगा। ये समझ में आया सबको? ये जीरो, इनटू किया 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 97, ठीक है। अब यहाँ 8x है तो एक काम करते हैं, 4 कॉमन ले लिया x स्क्वायर माइनस 8x, और 4 कॉमन ले लिया तो 4 इसमें कॉमन है नहीं, तो एक काम करते हैं इसको इतना ही छोड़, x स्क्वायर माइनस 8x की वैल्यू माइनस 23, तो माइनस 92 प्लस 97 फाइव। समझ में आया क्या कैसे डील किया है? सौम्या स्नेहिल समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस पर बेस्ड फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं सेम कंसेप्ट पर। x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस, है ना, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4।
सही लिखा। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? तो मैं प्लस 160 और माइनस 160 माइनस, ठीक है सही है। तो देख लें वही सेम कंसेप्ट पर है, लेकिन मैंने फोर्थ डिग्री में पॉलिनोमियल दे दिया जिसकी वैल्यू फाइंड करना है, एक्स प्लस 5 स्क्वेयरिंग कर दें। एन एक्स प्लस 25 माइनस 60 41 इक्वल। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 35 राइट। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, तो 9x प्लस 9x था, हमने प्लस 10x लिख दिया, माइनस x प्लस 41 है, 41 तो माइनस 6 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इट इज 0 डायरेक्टली फ्रॉम माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस x कॉमन x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x कॉमन ले लिया प्लस x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x प्लस 41 माइनस 40 फिर से ये 0 ये हो गया। अब आगे अंदर 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4 तो 4 कॉमन x स्क्वायर प्लस 10x x स्क्वायर प्लस 10x की वैल्यू माइनस 40 माइनस 164 प्लस माइनस 160 राइट। समझ में आ गया सभी को? नोट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं जब तक हम। Let z be a complex number satisfying the equation z square minus 3 plus iota z plus m plus 2 iota equal to 0 where m belongs to R. Suppose the equation, ये equation जो है, has a real root, then find non-real root, then find non-real root. इस इक्वेशन का एक रियल रूट है तो हमें नॉन रियल रूट बताना है, क्योंकि जेड स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो एक रूट रियल उन्होंने बोल दिया तो एक नॉन रियल होगा, दो ही रूट हो सकते हैं है ना। और ये आप जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो थ्योरी पढ़ी है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नॉन रियल या इमेजिनरी होते तो पेयर में होते,
वो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था विद रियल कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट रियल नहीं है इसलिए ऐसा हो सकता है एक रूट रियल हो और एक नॉन, इज इट क्लियर। लेकिन अगर रियल कोफिशिएंट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर abc आर रियल नंबर, तब ये पॉसिबल नहीं है कि एक रूट रियल हो और एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? तो अभी पॉसिबल है ही। अब क्वेश्चन में इन्होंने ही बोला है कि इक्वेशन का एक रियल रूट है, तो वो रियल रूट हम कुछ मान लेते हैं, इसके दो रूट होंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होंगे, एक रियल है तो वो मैंने मान लिया जेड, और जेड क्या है यहाँ पर रियल, अगर इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो मैं जेड स्क्वायर माइनस थ्री प्लस आई ओटा जेड, ठीक है, तो ये जेड रियल नंबर है, इधर माइनस थ्री जेड और एम भी रियल है, प्लस माइनस आयोटा जेड, आयोटा कॉमन माइनस जेड, तो आज में आया क्या, ये जेड रियल है, अब इधर राइट हैंड साइड में जीरो है तो जीरो प्लस जीरो है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दे दोनों साइड कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, इक्वल टू जीरो एंड माइनस जेड प्लस टू इक्वल टू, रियल रूट तो आ गया, रियल रूट क्या गया, अब इधर से जेड की वैल्यू टू रख के एम की वैल्यू निकाल दे, फोर माइनस सिक्स एम बी टू है ना, तो हमें एम निकालना था ना रियल रूट निकालना था, दोनों आ गए, हमें तो जो नॉन रियल रूट है वो निकालना है इसी इस इक्वेशन में, ध्यान से देखिए, एम के प्लेस, अब देखते हैं ध्यान से इसको सॉल्व करना है, जिससे हम टू कॉमन ले लिया, तो देखो ऐसे ही दिख रहा है, ये टू इंटू वन प्लस आयोटा, ये 2 एक रियल रूट है और 1 प्लस आयोटा इमेजिनरी रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इनटू 1 प्लस आयोटा, यहाँ क्या होता सम ऑफ रूट्स, दोनों का सम, नॉन रियल रूट दिख रहा है क्या है, वन प्लस आयोटा, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाकर या फैक्टर करके आप सॉल्व कर, जैसे ये मैं 3 प्लस आयोटा को ब्रेक कर लूंगा 2 प्लस 1 प्लस आयोटा और फिर फैक्टर करूंगा तो एक रूट 2 मिल जाएगा, एक रूट 1 प्लस आयोटा, क्या बात समझ में आई क्या सभी को, स्नेहिल रवि सौम्या प्रियंका क्वेश्चन समझ में आया क्या, कंसेप्ट समझ में आया रवि अजय, यस सर, उत्कर्ष, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट में है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, है ना, जैसे हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ए प्लस आई, तो ए भी रियल नंबर है और आयोटा अंडर रूट में, इसके स्क्वायर रूट निकाल, इसका स्क्वायर रूट निकाल, प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा,
mod z plus real part of z upon 2 plus iota mod z minus real part of z by 2 if b, b मतलब imaginary part positive है, हो गया ये तो फॉर्मूला लिखा कैसे आया उसकी बात करें है ना, तो प्रोसीजर आपको मालूम होगा जेड है ए प्लस अली इसके स्क्वायर रूट निकाल तो हम एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं एक्स प्लस अली स्क्वायर रूट एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई तो अब स्क्वायरिंग करें जिस भी स्टेप पर समझ में नहीं आए पूछ लेना स्क्वायरिंग करेंगे हाँ ये सबको समझ में आया है क्या हमें जेड ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट चाहिए था वो हमने मान लिया क्या है x प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर अब हमें x और y की वैल्यू जो मिलेगी वो यहाँ रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस i भी आ जाएगा कंपेयर करें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट a इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y और b इक्वल टू x ठीक है a क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड तब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर इसमें कोई डाउट क्या लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस फोर ए x square minus y square one, real part of z. Plus real part of z का square. Plus 4xy square square b square. Imaginary part of z. ठीक है? ये समझ में आया क्या सभी को? हाँ, और इसमें एक term involved है mod z. Mod z बताया नहीं ना अभी? अगर z a प्लस आई बी है तो अभी देख लें केवल मॉड z क्या होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आ गया ये मॉड z x स्क्वायर प्लस y राइट ये समझ में आया कि सभी को दोनों इक्वेशन को ऐड कर 2x स्क्वायर मिलेगा क्या मिलेगा रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड z x निकालें प्लस माइनस अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड z क्या ये समझ में आया कि x
हाँ ये समझ में आया, बस मैंने एक ये मॉड जेड डिफाइन कर दिया आपको मॉड जेड की टर्म में थी कि मॉड जेड क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया क्या? एक्स हाँ बच्चों यहां तक समझ में आया एक्स कैसे निकाला? ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आप यहां रख दें, एक्स की वैल्यू। तो जैसे यहां पर अगर हम स्क्वेयरिंग कर लें तो बी कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वेयर फोर एक्स स्क्वेयर, फोर एक्स को टू लिखा है, वाई स्क्वेयर टू एक्स स्क्वेयर के प्लेस पर तो हमें एक्चुअली वैल्यू किसकी चाहिए, y की। तो y की वैल्यू ये b, b की वैल्यू b स्क्वायर को अगर हम लिखें, b स्क्वायर को क्या निकाल सकते हैं, हाँ b स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं स्क्वेयरिंग करके, है ना, क्योंकि हमें अब यहां से y की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू है ना, तो वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे आगे, y की रियल पार्ट ऑफ z माइनस मॉड z अपॉन, है ना, थोड़ा ट्राई करना, मैंने y डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, तो बस यहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा अगर b नेगेटिव होता, b नेगेटिव होता तो यहां पर y माइनस प्लस आएगा, और अगर b पॉजिटिव है तो प्लस माइनस आएगा। हमने ये प्लस माइनस तो ये बाहर कर रखा है, अगर बी पॉजिटिव है, समझ में आया कि देखो ये एक्स है और ये वाई है, अंडररूट मॉड अंडररूट ऑफ जेड अंडररूट ऑफ ए प्लस आई, तो अपना एक्स एक्स की प्लेस पर ये लिखा हुआ है प्लस आई बाय आई वाई के प्लेस पर ये लिखा मॉड जेड इधर चेंज है ना, इसको चेंज करें बाकी से, ये तो एक ही बात है, प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में है तो मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड है, है ना। तो हम इस ये फॉर्मूले को डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते, लिख लिया क्या, नोट कर लिया, तो मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं। हो गया क्या? नोट कर लिया है क्या? मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, अभी ये जनरल प्रूफ है इसलिए थोड़ा लेंदी जा रहा है,
जल्दी करें तो मैं क्वेश्चन से करके बताऊं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम उतना बचा नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर से फिर से बताऊंगा। अभी चाहे तो हम एक एग्जांपल से बता देता हूं। हाँ, नोट कर लिया है क्या सभी ने? ठीक है, देखो इसे क्वेश्चन है -7 -24 आया, तो इसके रूट निकलता है ना, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गए हैं, तो इसका मॉड क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 26 25 स्क्वायर रूट 25। ठीक है, चलो तो बी नेगेटिव है, बी नेगेटिव है इसलिए नीचे वाला फॉर्मूला, और प्लस माइनस तो है। मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस 7 अपॉन 2, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड 25 माइनस 7 18 बाय 2 9 9 के स्क्वायर रूट 3 25 7 32 बाय 2 16 यस प्लस माइनस 3 माइनस 4 है। और जिस तरह से मैंने प्रूफ बताया इस क्वेश्चन को उस तरह से कर सकते हैं, लेट अंडर रूट 7 माइनस 24 आयोटा इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, स्क्वेयरिंग करें कंपेयर करें तो आ जाएंगे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू माइनस, x की वैल्यू प्लस माइनस 3 y की वैल्यू माइनस प्लस। ठीक है, और आपको चेक करना है आंसर सही है या नहीं, इसकी स्क्वेयरिंग करके देख लो, माइनस 7 माइनस 24 आयोटा आना चाहिए, करें स्क्वेयरिंग, ए ये प्लस माइनस की स्क्वेयरिंग तो प्लस आ गई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 2 3 6 देख लो, समझ में आया क्या? तो स्क्वेयर रूट थोड़ा सा फास्ट हो गया है ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है क्या? ठीक है ना, थोड़ा फास्ट हो गया है, अगर कहीं कोई करके देखना प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में और एक्सप्लेन कर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर किसका है?